हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, इन दिनों अक्षय कुमार अपनी आई हुई मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि गुड न्यूज को लेकर काफी चर्चाओं में है और इस फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिल रहा है। तो भैया, ये प्यार क्यों मिल रहा है? तो ये फिल्म लोगों को एंटरटेन तो कर ही रही है लेकिन उसके साथ साथ एजुकेट भी कर रही है, यानी कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर आए अक्षय कुमार जो कि लोगों को काफी पसंद आ रही है। और इसी वजह से इस फिल्म ने जो पहले दिन कलेक्शन किया है उसी के माध्यम से अक्षय कुमार के लिए ये फिल्म जो है उनकी लाइफ की पांचवी बेहतरीन फिल्म बन गई है पहले दिन कलेक्शन करने के मामले में। तो भैया, ये पांचों फिल्में कौन सी हैं? सबसे पहले मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। तो भैया, नंबर वन पे जो फिल्म है वो है मिशन मंगल, जो कि इसी साल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी 15 अगस्त को, यानी कि इस फिल्म ने जो पहले दिन कलेक्शन किया था वो था 29,16,00,000 रुपए का। उसके बाद में हमारे लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है गोल्ड का, जिसने पहले दिन कलेक्शन किया था 25,25,00,000 रुपए का। इसके बाद में हमारे लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है केसरी, वो भी इसी साल रिलीज हुई थी। तो भैया, ये फिल्म है, इस फिल्म ने पहले दिन जो कलेक्शन किया था वो था 21,06,00,000 रुपए का। और उसके बाद में हमारे लिस्ट में जो चौथा नाम है जो कि गुड न्यूज से आगे है तो वो फिल्म है सिंह इज ब्लिंग। तो भैया, सिंह इज ब्लिंग ने जो पहले दिन कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे तो वो था 20,67,00,000 रुपए का। और उसके बाद में पांचवा हिट फिल्म है अक्षय कुमार के लिए यानी कि गुड न्यूज, इसने बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है वो तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो भैया, 17,56,00,000 रुपए के, यानी कि ये वो पांच फिल्में हैं जो कि अक्षय कुमार के लिए पहले दिन जबरदस्त कलेक्शन की थी बॉक्स ऑफिस पे। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया, गुड न्यूज ने तो अपनी रेस बॉक्स ऑफिस पे चालू कर लिया है और ये रेस कहां तक जाएगी, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़ से ऊपर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।